उदय प्रताप कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी मांग है कि उनके एग्रीकल्चर विभाग को ICAR एफिलेटेड नहीं किया गया है, जिसके बाद छात्रों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा कई दिनों से उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि कई विश्वविद्यालयों ने इसे चालू कर दिया है, लेकिन उदय प्रताप कॉलेज इसे चालू नहीं कर रहा, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। आज हम लोग सभी छात्र इसलिए धरने पर बैठे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय ICAR से प्रत्याहार हो चुके हैं, लेकिन उदय प्रताप महाविद्यालय के छात्रों का भविष्य खाया जा रहा है। ICAR आप समझिए क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यदि उससे आपका कॉलेज प्रत्याहार नहीं रहेगा तो MSc और PhD में एडमिशन के लिए आप ICAR के एफिलेटेड जितने भी कॉलेज रहेंगे उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो सभी इस बार जितने पास हुए हैं यहाँ से छात्र छात्राएं वो नहीं बैठ सकते, उनके साथ तो हो ही गया, लेकिन आने वाले जो छात्र हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, इनके साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जाए। इनके इनके भविष्य के लिए ये लोग अपने हक के लिए आज धरने पर बैठे हैं, जो कि इससे पहले भी धरना हुआ था कॉलेज मेन गेट पर 3 जुलाई को, उसमें लिखित आश्वासन मिला था हम लोगों को कि 7 दिन के अंदर आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी। यानी आप अंतिम वर्ष में यानी अंतिम सेमेस्टर में जो छात्रों की फुलफिल डिग्री नहीं हो रही उसको ले। अंतिम वर्ष नहीं, जो फर्स्ट ईयर से लेके अंतिम वर्ष तक छात्र हैं, सबकी डिग्री फ्लॉप की तरह हो जाएंगी, कोई यूज नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब तक आपने किन किन लोगों को ज्ञापन दिया, किन किन लोगों से आप? हम लोग ने पत्रक के द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, DM, अन्य सभी नेता जितने लोग भी हैं, प्रशासन सबको दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं।